थोड़ा सा लिया है दही, इसमें मेथी, जी। प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहें। तो माशाल्लाह जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कचनार, क्योंकि कचनार फ्रेश थी तो मैं इसे बना नहीं सकी। पिछली वीडियो जब हमने बनाई थी तो तब हमने ले ली थी कचनार, हमारे पास आ गई थी, तो इसे मैंने फिर फ्रिज में रख दिया क्योंकि मैं चली गई थी अपनी बड़ी बाजी के घर। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसका हुआ है ऑपरेशन, तो इसलिए मैं और कबीर के पापा वहीं चले गए थे। क्योंकि पिछले दिनों 15 दिन शायद हो गए हैं, तो हमारे घर बाजी आई हुई थी, तो वो हमें भी मिलने आई थी लेकिन अपनी दवाई लेने आई थी। तो अब हुआ है उसका ऑपरेशन, तो हम वहीं पर रह गए हैं, हॉस्पिटल में हमें रहना पड़ा। तो मैं आई हूँ रात को, हम वापस घर पर आए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कचनार, तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि जो जैसे भी बनाएंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये हो रही थी कचनार खुश्क, तो मैंने इसे भिगो के रख दिया था ताकि थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। तो अब इसमें से पानी निकाल के रख देती हूँ, ये भी खुश्क हो जाएगी। और इसमें डाल रहे हैं हम आज चिकन, तो वो भी मैंने मंगवा लिया है, वो भी धो के रख देती हूँ तो पानी इनका खुश्क हो जाएगा। चलो आप सामान सारा इकट्ठा करो, घी वाला डब्बा, सारी चीजें इकट्ठी करो, जमा करो, ले आओ। जाओ ऑयल वाला डब्बा ले आओ, खोलो ना इसे। Yeah,
चलो चूल्हे पे रखो जाओ। अच्छा चूल चूल्हे निकल जाएंगे आप। रख दो रख दो। अब देख जी भी ले आओ देख जी। वो रखी है वो सामने देखो चूल्हे के ऊपर। लकड़ियाँ उठा के नीचे रखो। फिर अभी देख जी को नीचे रखो। हाँ जी इधर सीधा इधर दीवार के साथ चूल्हे के साथ रख दो। इधर नहीं रखो दूर नहीं रखनी चूल्हे के साथ दीवार के साथ लगा के रखो। ऐसा एक काम चेक करे ये अपना झूला लेने के लिए उसे बैट से मार रही है ना। अब तो वो छोटी है ना अब बड़ी हो जी। चलो अभी तो बैठ जाओ इसके ऊपर बैठना। ऐसे नहीं बैठती हूँ नहीं इसके अंदर मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो मैं इसके अंदर कचना डाल दूंगी थोड़ी सी से बॉईल करूंगी। बस दो उबाल आ जाएंगे तो फिर मैं इसे निकाल लूंगी। सारा जी पानी उबल चुका है अब इसके अंदर कचना डाल देती हूँ उबलने के लिए। तो आधी चमची नमक की भी डाल देती हूँ। अब इसको ढक कर खड़ा कर देती हूँ पाँच सात मिनट के लिए ताकि थोड़ी सी उबल जाए तो फिर इसे मैं निकाल लूँगी। फिर बाकी जो मिसाल वगैरह है वो भी मैंने अभी तैयार करना है क्योंकि शाम हो रही है। आज हमें थोड़ी सी लेट भी हो गई थी हमारे थोड़े से मेहमान आ गए थे एक दो तो हम लेट हो गए हैं आज। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تو ما شاء الله جی آئل گرم ہو گیا اب کھانا بنانا شروع کر دیں تھوڑا سا اس میں نمک ये वाली जो मेथी है वो मुकम्मल खुश्क हो गई है। तो इसे खुश्क कर लिया है मैंने अभी तो संभाल के शापर में डाल के रख लेती हूँ तो फिर इसे कोट कूट कर कोई डब्बा वगैरह देखूँगी अगर पड़ा होगा तो उसमें रख दूँगी। नहीं करो हाथ को लग जाएगी हाथ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अच्छे से मुर्गी भी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर ये सारा मसाला प्याज टमाटर हरी मिर्चें
और हरा लहसुन, ये भी मैंने इसके साथ ही पास किया था। अल्लाह जी, मसाला अच्छी तरह भुनाई हो चुका है। अब इसके अंदर खुश्क मसाले डाल देती हूँ। सूखा धनिया सबसे पहले डाल रही हूँ, उसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लिया है दही, थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी कलवंजी और थोड़ी सी इसमें मेथी। तो इसकी मैं 5 से 7 मिनट तक भुनाई करूंगी, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट तक खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह जी, 5 मिनट मैंने भुनाई किया है, अब माशाल्लाह भुनाई हो चुकी है, तो आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो आप देख लें, पता नहीं अंधेरा हो रहा है, आपको सही से नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे मोबाइल का कैमरा है ना, जो वो बस जितना काम करता है हम आपको दिखाते हैं, जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा दिखाएँ, बाकी जो मोबाइल है हमारा आपके सामने है सारा नतीजा। तो ये 3-4 हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें कोरमे टाइप की ग्रेवी के लिए थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे खुश्क भी रख सकते हैं, लेकिन हम, हमारे बच्चे और हम खाना नहीं खाते, क्योंकि वो रोटी हमारी सही से हमसे खाई नहीं जाती, इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ी सी ग्रेवी ज़रूर हो सालन में। 2-3 मिनट मैंने इस पानी को पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए, फिर मैं इसे उतार दूँगी। माशाल्लाह जी, 5 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह ग्रेवी भी बन चुकी है, तो मुकम्मल सालन हमारा तैयार है। इसमें हरा धनिया और गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च का कुटी हुई वो भी डाल देते हैं, बस इसे उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया मेरे पास ज़्यादा हो तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ये गरम मसाला और ये रही काली मिर्च। तो लाल मिर्च मैंने थोड़ी इसलिए कम रखी थी क्योंकि हम काली मिर्च इस्तेमाल अब कर रहे हैं कुछ ज़्यादा, तो इसलिए मैंने काली मिर्च डाली है। तो माशाल्लाह अभी से इतनी ही प्यारी खुशबू आ रही है, ये भी हमारी फेवरेट है, क्योंकि ये तो बिल्कुल चंद दिनों के लिए आती है, ये भी ज़्यादा अरसा नहीं रहती, तो माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह जी, दिखने में तो बहुत ही प्यारी लग रही है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, ऐशा आ गई है खाना खाने के लिए, क्योंकि ऐशा को लगी है भूख, है ना बेटा, भूख लगी है आपको? हाँ जी। तो अभी मैं रोटियां बाद में बनाऊंगी, क्योंकि दूध मैंने चढ़ा दिया, दूध उबाल लूंगी तो सारा हो गया तैयार। तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो भी खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो।